हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं लाइव प्रोसेस का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उस दिन मैंने कहां तक पढ़ाया था, जहां तक याद है ऑटो ट्रॉपिक हुआ था और प्लांट्स के हमने पोषण के बारे में बात की थी। ठीक है, पहली बात हमने पोषण की बात की थी, पोषण जिनमें से हमने दो बातें की, कितने टाइप्स के होते थे, कौन कौन से। पहला ऑटो ट्रॉपिक, और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। और हमने ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा, किसमें क्या कहते हैं, प्लांट्स के बारे में। ठीक, और उसके पूरे पाचन में सॉरी पोषण के बारे में बात की थी। अब बात आती है हेटरोट्रॉपिक की। अब देखो, अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक। उस दिन ऑटोट्रॉपिक हो चुका था, आज हेटरोट्रॉपिक। ओके, चलो देखते हैं हेटरोट्रॉपिक। देखो, हेटरोट्रॉपिक क्या था कि ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और किसी न किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे जीवों को कहते हैं क्या, हेटरोट्रॉपिक। अब देखो, इसके भी तीन टाइप्स हैं, कौन कौन से देखो देखो ला ला ला। हेटरोट्रॉपिक में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासिटिक, और तीसरा होलोजोइक। ठीक, अब देखो हेटरोट्रॉपिक में कौन कौन से हैं, बोले तो हेटरोट्रॉपिक में कौन कौन से आते हैं, देख लो हिंदी में लिख देता हूँ भाई, एपी बोर्ड पढ़ा रहा हूँ। हेटरोट्रॉपिक बोले तो विषमपोषी, सेप्रोफोटिक बोले तो मृतोपजीवी, पैरासिटिक बोले तो परजीवी, मृतोपजीवी परजीवी पढ़। ऑटोट्रॉपिक हम पढ़ चुके थे, अब हेटरोट्रॉपिक की बात ही आती है। अब हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक में ऐसे जीव आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो हेटरोट्रॉपिक के तीन टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब सेप्रोफाइटिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब अलग अलग डिफाइन करते हैं। देखो पहली बात, इसका हिंदी वाला वर्जन देखो। ठीक है, मृतोप और जीवी, देखो यहाँ से पता चल रहा है किसी मृत की बात होगी, किसकी, किसी मृत बोले तो मरा हुआ मृत और प्लस जीवी। ठीक, बोले तो कोई जीव। ठीक, अब इसके बारे में देखो, ऐसे जीव जो कि अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक, या तो बोले तो मृतोपजीवी। हाँ, अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं, देखो भाई दो ही तरह आमतौर पर अधिकतम कहा जाता है कि सब के सब ऐसा कुछ सड़े गले पदार्थों में ऐसे कम रेयर कंडीशन जीव आते हैं, और लेकिन एग्जांपल्स में देखा जाए तो कुछ बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु और कवक बोले तो फंजाई
कवक, ठीक, ये दोनों आते हैं मृतोपजीवी में। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जीवाणु और कवक, ये दोनों एग्जांपल्स में हैं, ठीक है। अब सारे के सारे जीवाणु और सारे के सारे कवक ऐसे नहीं होते, कुछ में फोटोसिंथेसिस होता है, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर मृतोपजीवी में यही दोनों आते हैं। अब दूसरा आता है पैरासिटिक, पैरासिटिक को चलो अच्छा तोड़ते हैं, ठीक है। बोले तो परजीवी, पर प्लस जीवी, जीवी, ठीक, परजीवी, ऐसे जीव जो किसी पर हो। बोले तो चढ़ भाई ठेंगे कहते रहे चढ़ भाई ठेंगे, ठीक। ऐसे जीव जो किसी पर रहकर बिना उसे हानि पहुंचाए, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो किसी पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हो, लेकिन कंडीशन है कि वो उस जीव को हानि नहीं पहुंचाते, ठीक है। जैसे कि देखो, बाद का नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला, लेकिन जब तक वो रहते हैं तब तक काम चलाते हैं, अच्छा खासा अपना भी खाते हैं, दूसरे को रहते हैं, पता चल जाता है तो बाद में तो भारी अलग है, हटाया जाता है, लेकिन जब तक रहते हैं तब तक प्यार से खाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तुम भी मस्त हम भी मस्त जैसे कि देखो, अब ऐसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आता है मच्छर, एक मच्छर क्या से क्या बना देता है। अब मच्छर, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई फिर मच्छर तो मलेरिया फैलाता है, तो मलेरिया देखो भाई नुकसान पहुंचाता है, मैं समझ रहा हूँ होस्ट है उसका मलेरिया का, लेकिन अब मान लो रात को तुमको एक मच्छर काटा, हाँ, अब ऐसा तो है नहीं अगले तुम मलेरिया से जूझ रहे हो, ऐसा तो होता नहीं, तुरंत अगले दिन बस एक मच्छर काटा, अगले दिन पता चला तुम मलेरिया में हो, ऐसा तो होता नहीं है, हाँ। तो क्या मतलब हुआ कि मच्छर ने अपना काम किया, कैसे मच्छर आया, खून पिया, प्यार से बैठा एकदम, सब कुछ किया, चला गया, हाँ। आपको क्या हुआ? बस हाँ, थोड़ा सा नुकसान तो होता ही, ऐसा नहीं नुकसान दर्द होता है, गुस्सा लगती है, हाँ, लेकिन आमतौर पर कोई ऐसा खासा नुकसान नहीं होता जिससे कि आपके शरीर एकदम चली जाए, हाँ। मलेरिया किसी कंडीशन में होता है, होस्ट होता है, हाँ, लेकिन आमतौर पर नहीं। दूसरा टैप वॉर्म देख लो, टैप वॉर्म, ठीक, हाँ, ये हमारे पेट में रहते हैं। चलो, अब बात आती है किसकी? हालोजोइक की। हालोजोइक देखते हैं, अब हालोजोइक, अब देखो, हमने ऐसे जीव देखे जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हमने ऐसे जीव भी देखे जो किसी पर तो डिपेंड हैं लेकिन बिना उस जीव को नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी के रूप में रहकर। अब तीसरा क्या आता है? होलोजोइक। अब देखो, ऐसे सारे जीव जो कि भोजन को सॉलिड या फिर लिक्विड, किसमें? सॉलिड या फिर लिक्विड में लेते हैं, फिर उसके बाद उस भोजन को पचाते हैं। क्या करते हैं? पहले किसी भोजन के फॉर्म, भोजन के दो ही फॉर्म, अब गैस में तो लेते नहीं, ऐसे करके ऐसे तो खाते नहीं, हाँ, तो दो ही फॉर्म हुए, या तो लिक्विड होगा या तो सॉलिड, ठीक है। भोजन को लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, फिर उसको पचाते हैं और फिर उसको उत्सर्जित करते हैं, बोले तो निकालते हैं, ठीक है। ऐसे 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 सारे जीव जो ऐसा करते हों वो होलोजोइक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप, पहले भोजन को लेना किसमें, किस फॉर्म में, या तो सॉलिड, बोले तो ठोस। दूसरा लिक्विड, या तो द्रव, ठीक, द्रव। भोजन को लेना किस फॉर्म में, या तो सॉलिड या तो लिक्विड में, ठीक है। इस फॉर्म में लेते हूँ, फिर उसके बाद भोजन को
पचाते हूँ, ठीक, भोजन को पचाते हूँ, और फिर उसके बाद उस भोजन को उत्सर्जित करते हूँ। उत्सर्जित बोले तो बाहर निकालना। पहला भोजन को लेना, फिर भोजन को पचाना और फिर उत्सर्जित करना। ये प्रोसेस के साथ जो भी अपने भोजन को ग्रहण करता है वो होलोजोइक के अंतर्गत आता है। एज एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ठीक है एग्जांपल में देखो कौन कौन आता है भाई। सबसे पहला तो हम ही लोग हैं भाई, मानव मनुष्य, और दूसरा बंदर चिड़िया बंदर अंदर से हम ले लो ऐसा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, मानव और बंदर वगैरह, बंदर ले लो ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आता है ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमंस की। ह्यूमंस में पाचन की बात करेंगे, पाचन बोल पोषण की बात करेंगे ठीक है। अब किसकी बात आती है, ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस में मानव लिखो, ठीक है, मानव ठीक। मानव में देखें, मानव की बात आती है तो मानव में पोषण, पोषण। अब देखो हम अपनी बात करेंगे पोषण की, मानव की। हाँ तो भाई शुरुआत से देखो, देखा जाएगा माउथ से हमने भोजन लिया, मुंह में कुचला, स्वाद लिया, लुगदी बनाई, नीचे भेजा, यहाँ से गया पेट में, गया पेट से छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, बाहर, ठीक है। देखो मानव में हम पोषण को सबसे पहले देखो क्या क्या है, नाम पर मतलब कर देता हूँ। ये हमारी पत्ती सी बोले तो दांत, ये हमारी जीभ, ये हुई हमारा सबसे पहले बोले तो ग्रास है, ग्रास नली, ये हो गई हमारी सांस है, सांस है, ये भी हमारा लीवर है, बोले तो यकृत, ये भी हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत, ये भी हमारी छोटी आंत, छोटी आंत, ये हो गया बढ़िया। अब देखो भाई अब बात आती है, यहाँ तक तो समझ गए, अब हम हर पार्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ओके। अब देखो ये है हमारा क्या, माउथ, अब देखो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले माउथ की पढ़ेंगे, अर्धचंद्राकार, दो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार मांसपेशियों, मांसपेशियों संरचना होती है,
संरचनाकार मांसपेशियों से बनी क्या होती है, ये संरचना होती है। ठीक है, तो ये होगी बात मुख की, हमारी बात माउथ की। अब उसके अंदर चलते हैं, अब शुरू करते हैं। इसमें देखो दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आता है टीसी मतलब दांत और दांत और दूसरा जी। अब दांत और जी की बात, ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दांत। देखो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, कौन कौन से दांत, दांत क्या होता है, ठीक है दांत। अब दांत के बारे में, अब दांत जो देखो ह्यूमंस में दांत तीन टाइप के पाए जाते हैं, कौन कौन से, ऐसे उनकी खूबियां हैं जो ह्यूमंस की खूबियां हैं, ह्यूमंस के दांत की खूबियां उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले वो गर्भदंती होता है, गर्भदंती गर्भदंती, और दूसरा द्विवार दंती, तीसरा विषम दंती, गर्भदंती द्विवार दंती विषम दंती। अब देखो गर्भदंती भी क्या है, ऐसे गाली होते हैं द्विवार दंती, तुम गर्भदंती अब ये कह सकते हैं, देखो सारे के सारे दांत हमारे, देखो गर्भदंती का मतलब जो जबड़ों की अस्थियों से जुड़े हुए, हमारे सारे के सारे दांत देखो हमारे हड्डियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भी होगा जीवन काल में, जीवन काल में दो बार निकलते हैं। द्विवार दंती कौन से दांत होते हैं, जो कि हमारे पूरे जीवन काल में दो बार निकलते हैं, ठीक है, जैसे दूध के दांत भी आपको कहते हो, ठीक है। और तीसरा है विषम दंती। अब विषम दंती में देखो चार प्रकार के दांत हैं, कौन कौन से, सबसे पहला कैंकर, ऐसे तमिल वाले की अच्छी लैंग्वेज होती है जब वो हिंदी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आज ध्यान से देख रहा है, सबसे पहला कैंकर, और दूसरा रत्नक, तीसरा अगले श्रवण के लिए, अगले श्रवण, और चौथा जी श्रवण, श्रवण बहुत अच्छा जी, ध्यान से देखना जी, तुम लोग ध्यान से देखना जी, ध्यान भटकाना नहीं, एकदम ध्यान से। अब देखो आगे बढ़ता जी, ग्रंथ तक रथ तक अगले चवर्ण का और छवर्ण का जी। अब देखो आगे देखो, अब इसको मैं दिखाएंगे, अब इसका हमारे दांत, ये हमारे दांत, ठीक है, ऐसे ऊपर ही ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में। अब देखो डिफाइन करते हैं, ये हमारे कृंतक, दूसरा रत्न, तीसरा चार प्रकार के दांत होते हैं।
देखो इसमें कौन कौन से, इसका एक फॉर्मूला होता है सामान्य मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य, वयस्क मनुष्य, वयस्क मनुष्य में इसका फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला होता है, मतलब कितने कितने दांत हैं। सबसे पहला इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, इंसाइजर है कितना, दो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे काटा है। हमारे ऊपर हमारे दांत ऐसे कुछ होते हैं, तो ये है इससे ये ऊपर और ये नीचे, ठीक, दांत ही कुछ ऐसे। इसको बीच में दो भाग में काटे, हम ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो केवल कितने पार्ट है, कितने पार्ट है, इसको दुगना भी करेंगे और ऊपर से नीचे करते हैं। ठीक है, दो दूसरा वन फिर फॉर्मूला क्या बना, ऊपर भी नीचे टू वन टू थ्री और फिर नीचे रिसीवर्स को क्या, इनसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, नीचे भी इनसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, ये हमारे दांत। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, पक्का ना दांत चाहिए मेरे पता नहीं क्या मतलब छोटा हो जाए। और इसके बाद हम बात करेंगे जीभ। ठीक है, जीभ देखो, जीभ अब ये क्या है, देखो ये जीभ, अब जीभ का स्ट्रक्चर बनाओ ऐसा दांत हो गया, राइट, क्या हो गया। अब देखो जीभ क्या है, जीभ देखो भाई, जीभ के बारे में समझते हैं सबसे पहले, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जीभ एलचिक बोले तो मांसपेशियों से बना, मांसपेशियों से बनी संरचना, संरचना ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब जिसको हम अपने मुताबिक अपने इच्छा के मुताबिक हम मुंह करा सकते हैं, जैसे क्या जी दिला सकते हैं। ठीक है, ऐच्छिक अपने हिसाब से अपने मन मर्जी से हिला डुला सकते हैं, उसे कहते हैं ऐच्छिक। तो जी एक ऐसे मांसपेशियों से बना होता है जो ऐच्छिक मांसपेशी है, जिसको हम अपने मुताबिक कुछ भी कहीं भी मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखो जीभ का काम क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि जीभ का क्या काम होता है तो आप लोग कहेंगे सिर्फ स्वाद देना। ठीक है, स्वाद तो लेना होता है, लेकिन जरा सोचो, सपोज करते हैं, ठीक है, मान लो भगवान ने हमारी जीभ ना दी होती, स्वाद के लिए हमारे केवल नीचे तालू होते, हाँ बस ऐसे स्वाद मिल जाता। अब थोड़ा सा दिमाग लगा, जरा सोचो कि खाना हमने खाया और हमें उस तालू से स्वाद कम मिला। अब अगर उस खाने को हमें दांत में पहुंचाना होता, दांत के नीचे ले जाना होता, तो कैसे करते, ऐसे ऐसे पूरा हिला जाता, पूरा तो पूरा जबड़ा ही नहीं, नीचे से पूरा हिलाना पड़ता, तब जाके तुम्हारा खाना ऐसे ऐसे से ढूंढते, फिर तब जाके खाना इधर उधर होता, ऐसा तो है नहीं, हाथी कैसे। इसमें से दो काम होते हैं, सबसे पहला स्वाद, दूसरा भोजन को, भोजन को इधर से उधर, भोजन को इधर उधर, और इतने काम हो सकते हैं, कहा जा सकता है फंसे खाने को निकालना, ना कुछ मेहनत करके और भी काम, और भी काम हो सकते हैं, जैसे कि फंसे खाने को निकालना। ठीक है, मांसपेशी। ठीक है, अब देखो ये हुई बात समझ में आई ना, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जी ये सब तो किया, और दूसरा जीभ की बात चलते हैं। मैं देखो अभी यहाँ पे सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, शरीर से ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक, उसके बाद कैसे भोजन पचा और क्या क्या एंजाइम्स लगे, क्या क्या प्रोसेस होती है, मैं वो बताऊँगा। ठीक है, पहले मैं सब लोग सारे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर से, ठीक। अब देखो जीभ ऐच्छिक मांसपेशियों से बनी संरचना होती है, अब इसमें थोड़ा सा और जो कि आगे फ्रेनियम, क्या नाम है, ध्यान से देखो, फ्रेनियम से तथा पीछे
आयुर्वेद से ठीक, जो कि आगे रक्त से और पीछे थायराइड से जुड़ी हुई है। अब देखो ये हुआ, अब ये क्या है पेंडुलम और थायराइड। देखो जब हम अपनी जीभ ऊपर उठाओ, जरा से देखो अपनी जीभ ऊपर उठाओ, अपनी जीभ ऊपर उठाओ, अपनी जीभ उठा ऊपर उठाइए और देखिए जो ये यहाँ पर एक मांसपेशी है, हाँ देखा है ध्यान से करो, आपकी जिससे तालु से जुड़ी हुई है उस मांसपेशी को देखो, उसे कहते हैं क्या पेंडुलम। और जब आप पीछे जाओगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यू टाइप, इस टाइप यू शेप, यू शेप की हड्डी होती है जिसे कहते हैं थायराइड, तो वो उससे जुड़ा होता है पीछे की साइड थायराइड से, आगे की साइड ये पेंडुलम से, पेंडुलम से जुड़ा होता है ठीक। ये तो होगी बात जीभ, अब भोजन किया भाई दांत से कुचला ठीक, जीभ ने स्वाद किया अपना काम किया भाई इधर उधर मिलाया मिलाया ठीक, फिर बल बना और फिर उसके नीचे जा रहे हैं। अब बात आती है क्या है क्या होता है, ये तो हुआ जी, अब उसके आगे आता है क्या ग्रास है, ये ग्रास यहाँ देखो ग्रास है अगला टॉपिक है क्या ग्रास है, उसके बाद जाते हैं कहाँ पे भोजन हुआ ग्रास में, ग्रास में ब्रेकअप प्लस फिगस वेस ऑफ फिगस ठीक, ग्रास है ग्रास है क्या जी जैसा। अब चलो देखो उसके बाद, अब जरा मुझे एक चीज सोच के बताओ, हम ग्रासनरी के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ग्रासनरी क्या होती है, एक डेलिनुमा संरचना होती है, कैसे नुमा कौनुमा संरचना नलिनुमा, नलिनुमा संरचना होती है, संरचना होती है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय में जाता है, कहाँ जाता है आमाशय के, आमाशय में जाता है, आमाशय में जाता है ठीक। अब देखो अब मुझे जरा एक चीज सोच के बताओ, ऐसा तो है नहीं कि ये कब ऐसा खाना गया, खाने आ गया ऐसे जैसे जैसे यहाँ से नीचे जाता है ऐसे टप्प से नीचे क्या आवाज, जैसे पेट में पहुंचेगा टप्प से आवाज आती है, ऐसे नहीं होता है अरे कोई पाइप थोड़ी ना है एकदम लग रहा है कि यहाँ तो पाइप है, जैसे है जैसे पाइप लिया हुआ वैसे पत्थर पे डाले नीचे जाते हैं ढंग से आवाज है, ऐसा तो होता नहीं है। कैसा होता है देखो, जब भी हमारा भोजन जाता है कैसे स्लो मोशन में जाता है, ऐसे 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 कर जाता है, अब ऐसा नहीं है कि पाइप उतरा ऐसे ऊपर पानी से ढक्कन ऐसे खोला ऐसे पत्थर डाले नीचे ढंग से आवाज है हाँ अब पहुंचा है, ऐसे कभी होता है क्या कभी भोजन डालो खाना लिया ऐसे खाते ऐसे छन्न से आवाज है पता चले कि हाँ अच्छा भोजन का आवाज है बहुत ऐसे तो है नहीं, तो कैसे जाते हैं देखो यहाँ पर एक मूवमेंट होती है, ऐसे पहले देखो कैसे भोजन हमारा जो भोजन है पहले सपोज ये यहाँ पे ये ऐसे थोड़ा ये भोजन अब अगले चलते देखो अब और नीचे आ जाते और नीचे तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। कोई आपसे पूछेंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है तो कहना कि ऐसे मूवमेंट जो भोजन ठीक ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के माध्यम से ही आमाशय से
इतनी बात समझ में अब देखो बात इतनी सी है कि कितने लीटर है कितना इसकी साइज होती है 25 सेंटीमीटर का नॉर्मल सवाल है। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे कहा जाता है बोले हाँ वहां से उसके बारे में समझ बताओ मिटाया अब आवाशय में। अब देखो आवाशय में क्या है, देखो भोजन क्या था मांस, अब ये इसकी थोड़ी साइज है इसका बताया क्या बनाओ जहां पर हमारा भोजन संग्रहित संरचना होती है जहां पर लगभग 3 से 4 घंटे संग्रहित संरचना होती है जहां पर हमारा भोजन संग्रहित रहता है कम से कम कितना 3 से 4 चौड़ाई का। देखो भाई लंबा तो ऐसा बना है कि यार कोई निश्चित है हमारा भोजन, अरे सॉरी अमाशय मान पाई लगता है अब उसमें खाना खा रहे हो कम से कम ऐसा तो बढ़ेगा कभी पता चलता है कि हाँ पेट भर गया, ऐसा तो है कि कोई कुछ है नहीं जैसे एक रोटी डाल बस एक रोटी बस खत्म, ऐसा नहीं है खा भी सकते ज्यादा भी कम भी। हाँ तो इसका मतलब कि हमारा अमाशय की लंबाई चौड़ाई हमारे भोजन पर भोजन की मात्रा पर निर्भर करती, इस पर हमारे भोजन की मात्रा पर निर्भर करती उसकी साइज लंबाई या चौड़ाई। अब देखो इसके पार्ट हमारे अमाशय कौन कौन से पार्ट होते हैं, इधर वाले पार्ट को कहते हैं कार्डियक इस पार्ट को कहते हैं फंडिंग, इस पार्ट को कहते हैं आंदोलिक कार्डियक फंडिंग और पायलोरिक। अब देखो इसको कार्डियक कहीं ना कहीं पायलोरिक कार्डियक मिले ना कार्डियक अगर आपके शब्द में है कार्डियक तो उसका मतलब होता है हार्ट, हार्ट बोले तो हृदय। अब देखो ये वाला पार्ट किसके पास होता है, किसके कार्डियक बोले तो हार्ट के पास होता है, इसलिए कहा जाता है इसको कार्डियक। ठीक फंडिंग इसी के बड़ वाला पार्ट और ये पायलोरिक, कुछ किताबों में लिखा है भाई ये चार पार्ट में होते हैं कार्डियक फंडिंग और पायलोरिक और चौथा इस पार्ट में बॉडी। आमतौर पर आपकी एनसीईआरटी देखा जाए तो एनसीईआरटी कुछ नहीं है बस एक दिन, लेकिन कुछ लोग ज्यादा बनाते हैं तो उसको कहते हैं बॉडी, इसको बॉडी के नाम से बताया गया। ठीक है बॉडी आपका मतलब जाके चार जाऊ लेकिन सीधे सीधे मतलब कुछ इतना ही कहना कार्डियक बॉडी और फाइबर ये तीन पार्ट। अब इसके बाद वो कहा जाएगा इतना समझ में आया ना भाई, आया ना लिखो ना कमेंट में चंगा आसान। अब आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा बेटा, ये बढ़िया तो क्या कहते हैं उसको मैं एक साथ छुट्टियाँ
यहाँ पे देखो कुछ है, देखो ठीक है, छोटिया छोटिया फिर ये बढ़िया दूसरा इलियम, तीसरा जियोजियम, जिनमें से यह सबसे प्रारंभिक भाग होता है। दूसरा इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है छुट्टियां का, सबसे बड़ा। तीसरा बस इसके बाद प्रारंभिक भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। देखो छोटी आंख में, अब छोटी आंख में सही मायने, सही मायने, सही मायने यहाँ पर यकृत, यकृत अपना कार्य, अपना कार्य प्रारंभ करता है। दूसरा छोटी आंख अपना, छोटी आंख अपना कार्य प्रारंभ करता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? बढ़िया। अब बढ़िया आप देखो क्या, बढ़िया तुम्हारी यहाँ से देखो बचे कुछ जीवन बचे बचे यहाँ से खत्म होता है। फिर उसके बाद जल का, जैसे मान लो कुछ जल बच गया हो, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण, अवशोषण हो जाता है कहाँ पर हमारे? बढ़िया। उसके बाद पूरा सारा का सारा मटेरियल जो भोजन का रहता है हमारे नाक से निकल जाता है, एनस से, एनस के माध्यम से, माध्यम से बाहर निकलता है। बड़ी आंत लगभग कितनी बची? तो छोटी आंत कम से कम 7 फीट की होती है, 7 फीट की। और बड़ी आंत, अब देखो ये कभी कभी कंफ्यूजन है कि भाई बड़ी लंबी दिखी है जब इसको छोटी आंत कहते हैं और इसको बड़ी आंत कहते हैं। अब ये दोनों का अंतरस्थ काट काटो, यहाँ से दोनों काट, ऐसे काट। देखो ये और ये बड़ी आंत कुछ ऐसे दिखेगी, छोटी आंत कुछ ऐसे, क्योंकि चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से कहा जाता है कि ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, ठीक। अब छोटी आंत लगभग 1.5 मीटर तक जा सकती है, 1.5 मीटर लंबी हो सकती, लंबी तक हो सकती, ठीक। इतनी बात, ये 7 फिट है, बाकी 8 आंकड़े सबसे बड़ा। एनएस के थ्रू बाहर जाता है। आज हमने देखो सिर्फ पार्ट्स में हमारे शरीर में कहाँ कहाँ का भोजन जाता है, कैसे जाता है, हमने सबके बारे में थोड़ा बहुत जाना है, ठीक। आप उनके बड़ी फैन नहीं जाता, सिर्फ थोड़ा बहुत है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इन सबके पाचन के बारे में, ऊपर से नीचे तक कैसे पाचन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग एकदम छकास वाला लेक्चर पढ़ेंगे, उसका थोड़ा एग्जाम्पल होता है, अच्छा है, ठीक। तो उसमें हम लोग लेक्चर प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, कार्य कार्य हुआ, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए